अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए फॉर फ्यूचर अपडेट्स के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे पीएस टेट 2024 आपका कब होगा। ऑफिशियल वेबसाइट भी आपके सामने मैं शो करूँगा। वो जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो पायरेटेड है, मतलब फेक है या रियल है, ये भी मैं इंफॉर्मेशन आपको पूरी इस वीडियो में बताऊँगा। तो मैं आपको पहले वेबसाइट ही शो कर देता हूँ। पी एस टेट 2024 आप जब सर्च करेंगे गूगल पे तो नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, ये देखिए लिंक है पंजाब पी एस टेट 2024। और ये वेबसाइट रियल है, इसमें जो भी अपडेट है रिगार्डिंग पी एस टेट रियल है या जस्ट फेक है, ये पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताऊंगा। सो ये पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने से पहले, अगर आप या आपका कोई फ्रेंड है जो एडमिशन्स के लिए अप्लाई कर रहा है फॉर डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़, तो आप इस वेबसाइट पर जा सकते हैं oneform.org। आप यहां काउंसलिंग फॉर्म भी फिल कर सकते हैं, अदरवाइज़ नीचे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे यहां पर आपको फ्री कोर्सेज भी प्रोवाइड किए जाएंगे। यहां पर पूरी जो पंजाब या अदर यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम है उसकी इन्फॉर्मेशन भी दी जाएगी। ऐसे यहां देखिए पंजाब यूनिवर्सिटी फॉर्म फिलिंग एंड काउंसलिंग 2024 प्रोसेस सारी न्यू है। नीचे आप जाएंगे डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ मिलेंगी, और नीचे जाएंगे तो यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं यहाँ से आप मोर भी कर सकते हैं। ऑल ओवर सारी यूनिवर्सिटीज़ अवेलेबल है। मैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी जो है चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ ग्रुप लांड्रा आज इसकी बात करूँगा। आप यहाँ ऐड टू कार्ट में जाएंगे और यहाँ से आपके ये पास लिंक ओपन हो जाएगा। इसमें जो भी कैंडिडेट रहेगा अपनी डिटेल फिल करेगा, जैसे उसका नाम, जो भी इसमें स्टार सिंबल्स है वो कंपल्सरी है, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, फादर नेम, मदर नेम, आधार कार्ड, देन डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, दैन सॉन डिटेल मांगी की। यार इंपॉर्टेंट है आपको कौन सी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है या कॉलेज में, इंक्लूडिंग आपका 10th का 12th का DMC करके आप सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद बैकएंड टीम आपसे कॉन्टैक्ट करेगी, जो भी आप स्ट्रीम चूज़ करेंगे लाइक MBA, BTech, इन डिफरेंट स्ट्रीम्स जो भी आपकी रहेगी, फिलहाल मैं उसके अकॉर्डिंग हमारी जो टीम आपसे कॉन्टैक्ट कर लेगी। जैसे देखिए BTech है, CSE, MTech, MBA, ये डिफरेंट कोर्सेज आप इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। MBA और BTech अभी जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ, ज़्यादा बच्चों की क्यूरीज आ रही हैं तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। पूरी डिटेल आप इस वेबसाइट पर ले सकते हैं oneform.org। इस वेबसाइट पर आप सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो चलिए देखते हैं, ये जो आपका मैंने वेबसाइट शो किया PSET 2024 का, ये फेक है या रियल है। ये तो वेबसाइट मैंने जो पहले ओपन किया ये था, जो पिछली बार का वेबसाइट है PSTET2023.org, इनकी जो डोमेन रही है यहाँ पर ORG और इनकी जो डोमेन है वो भी .org है। लेकिन इसमें देखिए एड्स बहुत आ रही हैं, लाइक ज्वाइन व्हाट्सएप ग्रुप, ज्वाइन टेलीग्राम ग्रुप, और नीचे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ऑल ओवर यहाँ पर मैंने जो अपनी एड्स हैं वो ब्लॉक की हैं। अदरवाइज़ कोई भी आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पर आप देख सकते हैं, अपनी वेबसाइट पर खासकर जो हमारी SCERT की है, देन उसके बाद आपका एजुकेशन क्रिकेट बोर्ड है, SSA पंजाब है, उस पर आपको कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम की इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती कि आप उसको ज्वाइन करें। एंड सेकेंडली वो जो वेबसाइट है यहाँ पर आप कॉन्टैक्टस दे सकते हैं, कॉन्टैक्टस में यहाँ पर उनकी डिटेल होती है। जैसे ये जो नई वेबसाइट है ये है, और जो पुरानी वेबसाइट है उसके कॉन्टैक्टस डिटेल तो ऊपर ही दी गई है। यहाँ पर लिखा भी है PSTET2023.helptext@gmail.com, इसमें कोई आपका सपोर्ट PSTET2024.org। और साथ में देखिए ये जो इन्फॉर्मेशन सारी दी गई है, ये देखिए PSTET2024 एग्ज़ाम डेट यहाँ पे दिया गया है। तो ये जो वेबसाइट है फेक है, फेक मीन टू से कि किसी ने ऐसे ही ये वेबसाइट बनाई है अपनी यूसेज के लिए। यहाँ पर देखिए यहाँ PSTET एग्ज़ाम डेट शिफ्टेड एंड टाइमिंग जनवरी 12 बाय सॉन, तो ये डिटेल सारी जो दी गई है इस वेबसाइट पर फिलहाल फेक बोल सकते हैं इसको। फेक मीन टू से कि वेबसाइट ये किसी अपने यूज़ के लिए बनाई है, लेकिन जो ऑफिशियल वेबसाइट है PSTET 2023 की ये है, इस पर आप पूरी चीज़ दे सकते हैं। और ये वेबसाइट की एक जो देख सकते हैं इसका व्यू कैसा है, और सारी डिटेल्स वगैरह, फीस वगैरह सारा कुछ प्रॉपरली दिया गया है। और अब बात रहेगी कि काफ़ी बच्चों की जो क्यूरीज आ रही थी, ये तो क्लियर हो गया कि ये वेबसाइट फेक है, फेक मीन टू से कि ऑफिशियल नहीं है, किसी ने अपने एंड से ये वेबसाइट बनाई है। जो PSTET का नोटिफिकेशन है वो कब आएगा, फिलहाल आपको पता है 2023 का PSTET भी नहीं हुआ,
लेकिन गवर्नमेंट ने अनाउंस भी किया था कि हर एक साल पीएसटेट लिया जाए, कोर्ट के ऑर्डर भी थे बट नहीं हुआ। और दूसरा बच्चों का यह कहना कि पीएसटेट पहले होगा या मास्टर कैडर पहले होगा, देखिए डिपेंड करता है कि कितनी आपकी पोस्ट हैं वो वैकेंट हैं उसके अकॉर्डिंग निकलती हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग जो पहले आपका पीएसटेट निकलेगा उसके बाद ही आपका मास्टर कैडर निकलता है, बिकॉज जो पिछला मास्टर कैडर निकला था आफ्टर पीएस उसकी जो मैक्सिमम पोस्टें हैं वो फिल हो गई हैं। ईटीटी की जो कह रहे हैं स्टेशन सब मिल रहे हैं बच्चों को, जो 6635 और अदर ईटीटी का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके स्टेशंस वगैरह सब कुछ मिल गए हैं। जो 6635 का वो प्रोसेस अभी चल रहा है, तो बाकी आप वेट कर लीजिए, जब भी नोटिफिकेशन आता है हम अपने यूट्यूब चैनल पर डालेंगे। मेरे अकॉर्डिंग अभी आपका ये नहीं होगा, ये जो यहाँ पर दिया गया है ये फेक था, इसके अभी कुछ नहीं हुआ। ये तो 2023 का एक और इन्होंने पहले एक वायरल हुआ था, जो पी एस टेट आपका होगा वो जनवरी 7 को होगा, लेकिन वो फेक था, उसका मैंने ऑलरेडी वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया था विद प्रूफ। तो जब भी पी एस टेट निकलता है उसकी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देंगे। अगर आपको लगता है कि पी एस टेट अब निकलेगा या कितनी डेट को निकलेगा, आप इसके रिगार्डिंग कोई सजेशन या कोई भी आपका क्वेश्चन या क्यूरी है या सजेशन है वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और ऐसी वीडियोज़ के लिए ज़रूर हमें सब्सक्राइब करिएगा, चैनल को भी ज़रूर नीडी फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। जो एडमिशन्स के लिए काफ़ी ज़्यादा कॉलेजेस वगैरह में ट्राई कर रहे हैं, तो ये सारा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है। A to Z सारी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस यहाँ अवेलेबल है, तो यहाँ से आप रजिस्टर कर सकते हैं, हमारी टीम आपको कांटेक्ट कर लेगी और उसके बाद जो भी फर्दर प्रोसेस रहेगा वो आपको सारा बता दिया जाएगा। और ऐसी वीडियोस के लिए ज़रूर हमें फ्यूचर के लिए फॉलो करिएगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड फॉर योर अवेलेबल टाइम।